आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं कोशी आलोक न्यूज। पूर्णिया में कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों पर अब प्रशासन का डंडा बरसना शुरू हो गया है। कल देर शाम सदर एसडीएम राकेश रमन और सदर एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार सरोज समेत कई अधिकारियों ने बाजारों का जायजा लिया। इस दौरान कई दुकानें रात 8 बजे के बाद भी खुली हुई थी, उन दुकानदारों को फाइन भी काटा गया। सदर एसडीएम ने कहा कि रात 8 बजे के बाद आवश्यक दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों को बंद रखना है। कोरोना के चलते जिले में नाइट कर्फ्यू है, इसका पालन नहीं करने वाले दुकानदारों को आज जुर्माना किया गया है। आगे अगर इस तरह की लापरवाही बरती जाएगी तो ऐसे दुकानों को सील भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी दुकानदारों को मास्क पहनना और कोरोना के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। कोरोना की तीसरी लहर फैल चुकी है और उसमें हम लोगों को बहुत कॉन्शस रहने की जरूरत है। दुकान को, आवश्यक सामग्रियों की दुकानों को छोड़कर शेष दुकानों को 8 बजे रात्रि में बंद हो जाना है। तो आज हम लोगों ने देखा कुछ दुकान वगैरह जो है 8 बजे के बाद भी खुला लग रहा था, तो उसको हम लोगों ने आर्थिक दंड के रूप में पेनाल्टी लगाया है और धीरे धीरे ये आदत में सुधार होनी है। आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग दुकान को बंद भी करेंगे, सील भी करेंगे। संपूर्ण संग्रह